मानदे की चाहत रखने वाले तमाम कोटेदार गल्ला विक्रेता राशन डीलर को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को ये पता होगा कि हमारे YouTube चैनल के जरिए आप लोगों को पूरे भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, तमाम प्रकार की राज्यों को न्यूज़ों में आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, कई कई न्यूज़ों में ऐसे दे देता हूँ जिसको सुन करके आप लोग दुखी हो जाते हैं। वो न्यूज़ ऐसी होती है दोस्तों कि जिन प्रदेशों के कोटेदारों ने हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़े और धरना प्रदर्शन दिए, उन कोटेदारों को सरकार कुछ नहीं दे रही, और जो कोटेदार कुछ नहीं किए उनकी सरकारें उनको कमीशन और मानदेय देने की बात कर रही है। ऐसे में दोस्तों, आज आप लोगों से एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोगों से चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कोटेदारों की वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, और शायद बुद्धिजीवी लोग जो हमारे वीडियो को देखते होंगे उनको ये बिल्कुल भली भांति पता होगा कि जब तक हम लोग एक बैनर तले नहीं आएंगे तब तक सरकार टस से मस नहीं होगी। ये आप लोगों को बहुत बारीकी से सोचना होगा कि जब तक हम लोग एक बैनर के तले, यानी कि भारतवर्ष के सभी राज्यों के कोटेदारों को एक साथ आकर के सरकार के साथ मांग करनी होगी, और वो भी दोस्तों ऐसी मांग करनी होगी कि सरकार को भी अच्छा लगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से अपनी मानदेय कर मांगेंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार को ये पता है कि जो हम कमीशन देते हैं कोटेदारों को, वो उनमें उनका भरण पोषण नहीं हो सकता है, उनके बाल बच्चों का शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो सकता है। ऐसे में दोस्तों हम लोगों को मानदेय सरकार को देना ही होगा। और दोस्तों ये बिल्कुल आप मत भूलें कि जब तक हम लोग एकत्रित होकर सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे तब तक सरकार हम लोगों को नहीं देगी। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि तमाम भारतवर्ष के कोटेदार एकत्रित होकर एक बैनर तले, जिस तरह से हम लोग 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं केवल बिहार के लोग, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। पूरे भारतवर्ष के कोटेदारों को एकत्रित होकर अपने मांग को मांगना पड़ेगा, तब सरकार दोस्तों हम लोगों को कहीं मांग देने वाली है। और दोस्तों, जब तक ये भारत सरकार तक ये न्यूज़ें नहीं पहुंचती है तब तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों को मानदेय चाहिए तब हम पूरे भारतवर्ष के कोटेदारों को एकत्रित होना पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कोटेदारों की वीडियो अपलोड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।